हेलो एवरीवन, आज से हमने स्टार्ट किया है बीबीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सीरीज एमसीक्यू से। इसमें पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे क्योंकि बीबीएससी में तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चंस अकेले मॉडर्न हिस्ट्री के होते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स जैसे साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी एक्सेट्रा, इनके भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को हम आगे करेंगे। और ये सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। सीरीज को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Who among the following abolished dual government system in Bengal? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। डुअल गवर्नमेंट इंडिया में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और वॉरेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त कर दिया। फर्स्ट मराठा टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली वॉज। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक गठबंधन को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? पेशवा बाजीराव सेकंड, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है पेशवा बाजीराव सेकंड। सब्सिडरी अलायंस जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने ले आया था। और इसके अगर हम देखें तो तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि जो भी राजा सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करेगा उसके यहाँ ब्रिटिश फोर्स तैनात रहेगी या फिर स्टेशन होगी और उसका पूरा खर्चा, मतलब ब्रिटिश फोर्स का पूरा खर्चा राजा उठाएगा। राजा के कोर्ट में एक ब्रिटिश ऑफिशियल भी होगा। और लास्ट ये कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करेगा, मतलब जो भी रूलर, वो किसी और पावर के साथ कोई अलायंस नहीं कर सकता है, जिस तरह वो कोई भी अलायंस अपना फ्रांस के साथ नहीं कर सकता है, वो सिर्फ ब्रिटिश के ही साथ कर सकता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको कि आपको जानना जरूरी है, मुझे ऐसा लगा। अंडर हूज लीडरशिप वॉज द सप्रेशन ऑफ ठग्स अचीव्ड? किसके नेतृत्व में ठगों का दमन हुआ? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्नीज, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन को लॉर्ड विलियम ने अपॉइंट किया था इस काम के लिए। द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वॉज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। भारत में पहली रेलवे किसकी अवधि, सॉरी यहाँ पे किस है, यहाँ पे किसकी अवधि होगा, किसकी अवधि के दौरान रखी गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड लिटन। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। फर्स्ट रेलवे जो है वो 1853 में इंडिया में लाई गई थी जो कि मुंबई से ठाणे चली थी। क्वीन विक्टोरिया वॉज अपॉइंटेड एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन। एम्प्रेस जो है वो स्त्रीलिंग है एम्परर का, ठीक है? तो इनका ईयर पूछा है तो वो कौन सा है, 1858, 1876, 1877 या 1885? तो इसका करेक्ट आंसर है 1858। द वाइस रॉय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टूवर्ड्स अफगानिस्तान वॉज। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाले वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग या फिर नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन के ही वाइसरॉयशिप में सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर छिड़ी थी या फिर हुई थी, ठीक है? विच अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉय स्पिरिट द टाइटल ऑफ राय बहादुर एंड खान बहादुर बिगेन टू कन्फर टू इंडियन। निम्नलिखित में से किस वाइसरॉय के काल में राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि भारतीय को प्रदान की जाने लगी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिप्टन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरी, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ई, क्योंकि बीपीएससी में अब 5 ऑप्शंस भी आते हैं, ए बी सी डी ई। अभी कुछ सालों पहले था, जिस तरह अगर आप प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चंस देखें तो 2009-10 तक पहले 4 ही ऑप्शंस थे, फिर एक पांचवा भी बाद में ऐड कर लिया गया, तो उसको हम नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव की श्रेणी में रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ई है, क्योंकि इनमें से किसी के भी, मतलब वाइसरॉयशिप में ऐसा नहीं हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम। इन माई बिलीफ कांग्रेस इज टू टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशंस वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइज। हु रोट इट? मेरा मानना है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक शांतिपूर्ण अंत में उसकी मदद करना है। ये किसने लिखा है?
लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन। ये वही लॉर्ड कर्जन है जिनकी वाइसरॉयशिप के दौरान 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था। द मुस्लिम्स इफ कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवर्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। हु रोट इट? अगर मुसलमान संतुष्ट होते हैं तो वे भारत में ब्रिटिश सत्ता के सबसे बड़े रक्षक बन जाएंगे। ये किसने लिखा है? हर्बर्ट रिजले, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, एच एन ब्रेसफोर्ड, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड विथ, स्थायी समझौता समझौता किसके साथ किया गया था? जमींदार यानी जमींदारों के साथ, विलेज कम्युनिटीज ग्रामीण समुदाय, मुकदमास मुकदमा, पीजेंट्स या फिर किसानों के द्वारा के साथ। तो इसका सही आंसर है जमींदार, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार को लैंड ओनर बना दिया गया था और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था 1793 में, यानी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लाया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार? बिहार में शुरू किए गए स्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? द जमींदार वर डिप्राइव्ड ऑफ द ओनरशिप ऑफ द लैंड, जमींदार भूमि के स्वामित्व से वंचित थे। द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड वॉज मेड हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल फॉर द जमींदार, भूमि के स्वामित्व के अधिकार को जमींदारों के लिए वंशानुगत और हस्तांतरणीय बना दिया गया था। लैंड रेवेन्यू वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, भूमि राजस्व को संवैधानिक बनाया गया था। एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी का उन्मूलन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी लैंड रेवेन्यू वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड या फिर भूमि राजस्व को संवैधानिक बनाया गया था। फिल इन द ब्लैंक्स इन डैश द राइट्स ऑफ द टेनेंट्स ऑन लैंड इन बंगाल एंड बिहार वर गिवन बाय द बंगाल टेनेंसी एक्ट। इसको हम हिंदी में भी क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान भरे डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिए गए थे कौन से साल में? पहला है 1885, फिर 1886, फिर 1889, फिर 1900। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी 1885। When was the new Enfield rifle with greased cartridges introduced in the British Indian Army? ब्रिटिश भारतीय सेना में ग्रीस कारतूस के साथ नई एनफील्ड राइफल तब पेश की गई थी। नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। तो इसका करेक्ट आंसर है 1856। तो दोस्तों ये वही एनफील्ड राइफल है जो कि एक बहुत ही मेजर रीजन बनी थी रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। Which of the following was not a reason for making the sepoys of East India Company rebellious? ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? याद रखें ऐसे क्वेश्चंस बहुत से आते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट था या नहीं था, तो आपको ये वर्ड मतलब क्वेश्चन में जरूर पकड़ के बैठना है कि ये क्या पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग या फिर कौन सा कारण नहीं था, तो आपको ये अंडरलाइन कर लेना होगा, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। The efforts of the officers of the company to spread Christianity, खैर ये तो सच्चाई है कि ईसाई धर्म के प्रसार के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, यानी कि जो ब्रिटिश थे वो क्रिश्चियनिटी को इंडिया में फैलाना चाह रहे थे। द ऑर्डर टू द सिपाइज टू ट्रेवल ऑन शिप्स, सिपाहियों को जहाजों पर यात्रा करने का आदेश, ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि अगर आप नदी क्रॉस करते हैं या फिर समुद्र क्रॉस करते हैं तो ये माना जाता था कि अगर आप सपोज अगर आप हिंदू हैं तो नदी क्रॉस करने के बाद अपना आप हिंदू जो रिलीजियस स्टेटस है उसको खो देंगे, तो ये भी सही बात है। द स्टॉपेज ऑफ भट्टा, भट्टा का ठहराव, ये भी सही है, क्योंकि जो सिपाही मतलब पंजाब या फिर सिंध एरिया में डिप्लॉयड थे उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भत्ता रोक दिया था। द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स, अधिकारियों की अक्षमता, ये इसका करेक्ट आंसर भी है कि ये कोई रीजन नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब सिपॉयज को ईस्ट इंडिया कंपनी के रिबेलियस के लिए। नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, तो आंसर आपको पता ही है डी। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वॉज लेड बाई,
लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या फिर नाना साहेब? तो इसका करेक्ट आंसर है बेगम ऑफ अवध, जिसको कि हम हजरत महल नाम से भी जानते हैं। जो भी लोग लखनऊ गए हैं या फिर लखनऊ के हैं, उनको पता है कि वहां पे एक हजरतगंज चौराहा है, जिसको कि अब मतलब नाम बदल के अटल चौक कर दिया गया है। वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश? अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह कहाँ शामिल हुए थे? आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी, नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है पटना। आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कहीं पटना बोला गया है, कहीं आरा बोला गया है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ आयोग यानी कि कमीशन की मानना है, और बीपीएससी मतलब कि बिहार कमीशन के हिसाब से आंसर पटना सही है, तो आपको पटना पटना ही मार्क करना है। Who was the leader of revolutionaries in Bihar during the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? नमदार खान, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शंकर शाह, नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है बाबू कुंवर सिंह। आप सोचिए, जब बाबू कुंवर सिंह जब इस रिवॉल्ट में आए, इन्वॉल्व हुए, मतलब पार्टिसिपेट किए, तो उनकी एज 80 साल थी। मतलब उनका जज्बा देखिए ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने का, कि वो 80 साल की एज में ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे, कितना जज्बा था उनके अंदर, इसीलिए वो मतलब किंग बोले जाते हैं जगदीशपुर के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है बीपीएससी के लिए, क्योंकि कुंवर सिंह नाम से आपको इतने क्वेश्चंस मिलेंगे बीपीएससी में। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन मिला है, एक ही क्वेश्चन आपको 4-5 बार पूछा गया है, और इस टाइप के अलग अलग, जिस तरह कभी ये हो गया कि 1857 में बिहार में कौन रिवोल्ट स्टार्ट किया था, तो ये बाबू कुंवर सिंह हो गए। अभी हमने पीछे भी देखा था कि यहाँ पे पूछा गया था कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये पटना हो गया। फिर आगे भी हम देखेंगे कि इनके नाम से बहुत से क्वेश्चंस बीपीएससी ने पूछे हैं, तो आपको इनके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हम क्वेश्चंस के द्वारा आपको पूरा रटा डालेंगे। कुंवर सिंह लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? पंजाब, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र? तो आंसर बिहार है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा जरूर। द म्यूटिनी ऑफ 1857 एट पटना वॉज लेड बाई अ डायनेमिक ओल्ड पर्सन नोन एज। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व एक गतिशील वृद्ध व्यक्ति ने किया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जूधर सिंह, कुशाल सिंह? इसका करेक्ट आंसर है कुंवर सिंह, जैसा मैंने आपको बताया कि वो 80 साल की उम्र में इस रिवोल्ट में शामिल हुए थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। जज्बा है भाई। द सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन बिहार फ्रॉम 15th जुलाई 1857 टू 20th जनवरी 1858 वाज, मतलब 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र क्या था? रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर? तो इसका करेक्ट आंसर है जगदीशपुर, क्योंकि ये कुंवर सिंह ने स्टार्ट किया था और जगदीशपुर में उनका जन्म भी हुआ था। Which person of Jagdishpur took the lead of revolutionaries during the revolt of 1857-80? जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ सिंह, राम सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर है कुंवर सिंह। आप ये बात जरूर याद रखिएगा कि इनको किंग ऑफ जगदीशपुर भी बोला जाता है। Who of the following was the bitterest enemy of the British during the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमादुल्ला शाह, मौलाना फाजी हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली? तो इसका करेक्ट आंसर है मौलवी अहमदुल्ला शाह। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस्ड बाई द पोएट। 1857 के विद्रोह को कवि द्वारा देखा गया था, मतलब कौन से कवि द्वारा देखा गया था? मीर ताकी मीर, जौक, गालिब या इकबाल? तो इसका करेक्ट आंसर है मिर्जा गालिब, यानी ऑप्शन सी गालिब। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? निम्नलिखित में से किस समूह ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था?
एग्रीकल्चरल लेबर, साहूकार, फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स, यानी कृषि मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो इसका करेक्ट आंसर है साहूकार और लैंडलॉर्ड्स, यानी ऑप्शन 4, B and D। क्योंकि एग्रीकल्चर लेबर और फार्मर्स ने तो विद्रोह किया ही था, लेकिन साहूकार, लैंडलॉर्ड्स, मिडिल क्लास, एजुकेटेड इंडियंस और कहीं कहीं के रूलर जैसे कि निजाम ऑफ हैदराबाद, इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857 में रिवॉल्ट में। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर देम। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आक्रमण के खिलाफ विद्रोह नहीं किया? राजा ऑफ विजयनगर, निजाम ऑफ हैदराबाद, पॉलीगर ऑफ तमिलनाडु, दीवान वेलू थम्पी ऑफ त्रावणकोर, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कोई कोई रूलर्स ने जो थे पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857 रिवोल्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, उनमें से एक थे निजाम ऑफ हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है निजाम ऑफ हैदराबाद। तो गाइज, ये अभी हमारा पार्ट वन था मॉडर्न हिस्ट्री का। इसका और भी हम पार्ट्स बनाएंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा हम और भी सब्जेक्ट्स के पार्ट्स बनाएंगे इस सीरीज में। तो उससे आप बने रहिएगा ताकि आपका बीपीएससी का जो क्वेश्चंस है उसको अच्छे से आप रिवाइज कर सकें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिवीजन होता है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करके होता है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इस सीरीज के थ्रू आपको बीपीएससी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा दें, आपको रटा डालें ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक हो सके। और दूसरी बात ये कि कल से यानी 17 अगस्त से हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो भी स्टार्ट हो रहा है। हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम को कवर करेगा, मतलब हर एक, जैसे यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी, कोई भी स्टेट पीएससी हो, एसएससी, सबके लिए है। तो करंट अफेयर्स के वीडियोस को देखने के लिए भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।